दोस्तों, यह है ब्रिंग मी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 9, जिसमें हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको भी क्राइम ड्रामा देखना पसंद है? क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखकर आपको अच्छा लगता है? इफ यस, तो इट मींस आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए परसेप्शन सही नहीं है। ये तो हम सभी को पता है कि ये क्रिमिनल ड्रामास इस तरह से बनाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगे। इन शोज में दिखाए गए क्राइम्स में से काफ़ी सारे क्राइम हमारे आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करते, कॉमन नहीं होते और इनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसलिए ऐसे शोज हमारे परसेप्शन को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक पर्टिकुलर टाइप का फूड अगर आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ख़त्म कर दे तो कितनी अच्छी बात है, यानी बिना किसी मेडिसिन का यूज़ किए सारे डिसऑर्डर खत्म। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली सी फूड खाते हैं उनमें डेमेंशिया होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ये सभी एज ग्रुप, सभी जेंडर के लिए इफेक्टिवली काम भी करता है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार फिश करी खाकर आप इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं? आपकी सारी अटेंशन उन्हीं लोगों पर रहती है जो आपको भाव नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जिसको हम पा नहीं सकते? इसका साइकोलॉजिकल रीज़न है, हमारा ब्रेन अनफ्रेंडलीनेस को एक गोल या फिर एक चैलेंज की तरह देखता है। आप उन लोगों के लिए इसलिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो क्योंकि आपका ब्रेन उस इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह देखता है और बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखकर करते हैं। और जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास होती है उस पर हमारा ब्रेन अच्छी तरह से ध्यान नहीं देता, उसे वो चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि आप इग्नोर होने के बाद भी सेम इंसान के पास वापस क्यों जा रहे हो, तो समझ जाइए इसके पीछे आप नहीं बल्कि आपका क्रेजी ब्रेन काम कर रहा है, उसकी गलती है। फैक्ट नंबर 9, अर्ली 20s में की गई एक स्टडी में देखा गया कि प्रेजेंट टाइम में एक हाई स्कूल स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हाई है जितना 1950s में एक साइकेट्रिक पेशेंट का हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और कॉमन होते जा रहे हैं। आई एम श्योर अगर ये स्टडी आज के टाइम में दोबारा कंडक्ट की जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल साइकेट्रिक पेशेंट से भी कहीं ज़्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube वीडियोस के टाइटल कम वर्ड्स में क्यों लिखे जाते हैं? ऐसे ही न्यूज़पेपर में हेडलाइंस को भी कम से कम वर्ड में दिखाया जाता है। इस तरह न्यूज़पेपर में कॉलम्स बनाकर छोटी छोटी लाइंस में न्यूज़ को क्यों डिवाइड किया जाता है? रिसर्च करने पर पब्लिशर्स ने पाया कि रीडर्स शॉर्ट लाइंस यानी 50-60 कैरेक्टर्स को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक पढ़ पाते हैं और इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की उसमें जो पाया गया वो इस बात का ठीक अपोजिट था। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि हम शॉर्ट लाइंस को स्लोली पढ़ते हैं और हमारे माइंड के लिए एक आइडियल लाइन की लेंथ होती है 100 कैरेक्टर्स। फैक्ट नंबर 7, 20 लाख पार्टिसिपेंट पर की गई 34 स्टडीज़ में रिलेशनशिप में होने के काफ़ी अमेजिंग बेनिफिट्स बताए गए। एक रिलेशनशिप में होना आपके अंदर होने वाली हर्ट रिलेटेड डिसीज़ को कम कर देता है। रिलेशनशिप्स आपको सिर्फ अच्छा फील नहीं कराती बल्कि आपको एक लंबी उम्र देने का भी काम करती है। फैक्ट नंबर 6, बात जब आती है बॉडी लैंग्वेज की तो इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का एक अहम रोल होता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें और स्माइल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड में 19 तरह की स्माइल्स होती हैं? पोलाइट स्माइल, विस्टफुल स्माइल, डोमिनेंस स्माइल, रिवॉर्ड स्माइल, फ्लर्टेशियस स्माइल और इसी तरह की 19 और स्माइल्स भी होती हैं। लेकिन इन सारी स्माइल्स में से एक ऐसी स्माइल है जिसे बेस्ट और सबसे हाई स्टैंडर्ड माना जाता है। इस स्माइल का नाम है ड्यूशन स्माइल। यही स्माइल है जिसे जेन्युइन एंजॉयमेंट स्माइल भी कहते हैं। एक ऑथेंटिक ड्यूशन स्माइल आपको ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और ऑथेंटिक दिखने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 5,
आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन के बीच में बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं, स्पेशली अपनी नोज को। हम सोचते हैं कि ऐसा करना शायद उनकी आदत हो सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। साइकोलॉजिस्ट इसे नर्वसनेस का साइन मानते हैं, बात करते वक्त बार बार अपने फेस को, स्पेशली अपनी नाक को टच करना। ये बताता है कि वो इंसान नर्वस है और वो इस सोच में डूबा हुआ है कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में कई तरह के डर पाए जाते हैं। कुछ डर या फिर कुछ फोबिया तो कॉमन होते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे फोबिया काफ़ी वेयर्ड भी होते हैं। इन्हीं वेयर्ड फोबिया की लिस्ट में आते हैं कुछ ऐसे फोबिया जिसमें लोगों को एक स्पेसिफिक नंबर से डर लगता है। जैसे नंबर 8 से डर लगता है, उसे कहा जाता है ऑक्टोफोबिया। और कुछ लोगों को नंबर 13 से डर लगता है, और नंबर 13 से इस डर को कहते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ये फोबिया कोई नॉर्मल फोबिया नहीं है, लाखों लोगों में ये फोबिया देखने को मिलता है। ये फोबिया इतना ज़्यादा कॉमन है कि काफ़ी सारे होटल्स में रूम नंबर 13 और प्लेन में सीट नंबर 13 को रो से रिमूव कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, कई बार जब कोई हमारे सामने जवाई लेता है तो उनको देखकर हम भी वैसा करने लगते हैं। इवन अगर हम टायर्ड फील ना भी कर रहे हो, बोर्ड फील ना कर रहे हो, तब भी हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा होता है एक फिनोमेना की वजह से जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग। और इस सोशल मिररिंग का डायरेक्ट लिंक होता है हमारे ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स के साथ, जिसकी वजह से जब भी हम किसी को ऐसे जवाई लेते देखते हैं, उनको देखकर हमें खुद ब खुद जवाई आना शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपका मन भी कभी कभी किसी बच्चे को देखकर उसके गाल स्क्वीज करने का या फिर जोर से खींचने का करता होगा। किसी भी एक्स्ट्रा क्यूट चीज को देखकर उसे स्क्वीज करने का मन हम सभी का करता है, पर क्या ये नेचुरल है? आइए जान लेते हैं। इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है क्यूटनेस एग्रेशन। न्यूरोसाइंस रिसर्च में देखा गया कि हम पॉजिटिव इमोशन से काफी ज्यादा ओवरवेल्म फील करने लगते हैं। इन क्यूट चीजों को देखकर यही पॉजिटिव इमोशन बढ़ जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन क्यूटनेस एग्रेशन पैदा करता है, जो इस ओवरवेलमिंग फीलिंग को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। फैक्ट नंबर 1, हम सभी चाहते हैं कि हम निगेटिविटी से दूर रहें, लेकिन क्या आपको पता है दिन भर में हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 50,000 थॉट्स आते हैं, और इन 50,000 थॉट्स में से 80% थॉट्स निगेटिव होते हैं। और इन थॉट्स को चाहकर भी हम नहीं रोक सकते, इन थॉट्स का आपकी लाइफ पर काफ़ी बुरा असर भी हो सकता है। इनसे बचने का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका होता है खुद को बिजी रखना और उन बातों के बारे में सोचना जो आपको पॉजिटिव फील कराती हो। तो अगर आपको भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप को बिजी रखना है और इस निगेटिविटी से दूर रहना है। दोस्तों, ब्रिंग मी फैक्ट के आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है या फिर हॉरर मूवीज़। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।